गुड आफ्टरनून स्टूडेंट,
राजस्थान में तीन तरह का रेल परिवहन है, ठीक है। कितने तरह का रेल परिवहन है राजस्थान में? रेल परिवहन के प्रकार, राजस्थान में रेल परिवहन के प्रकार, तो राजस्थान में कितने प्रकार का रेल परिवहन है? राजस्थान में तीन प्रकार का रेल परिवहन है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। यदि हम बात करें ब्रॉड गेज की, तो ब्रॉड गेज का परसेंट कितना है? 82.92%। कितना है? 82.92%। जबकि मीटर गेज की जो लंबाई है वो 15.60% है, जबकि नैरो गेज जो है वो 11.48% है। कितना है? 1.48%, ठीक है। राजस्थान में कितने प्रकार के रेल परिवहन है? राजस्थान में तीन प्रकार के रेल परिवहन है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। कौन कौन सी है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। यदि हम ब्रॉड गेज की बात करें तो 82.92%, मीटर गेज की बात करें तो 15.60% और नैरो गेज की बात करें तो 1.48% होगी। अब देखिए राजस्थान के धौलपुर जिले में नैरो गेज रेल संचालन किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में नैरो गेज रेल संचालन किया जा रहा है, तो राजस्थान के धौलपुर जिले में। कहाँ पर? धौलपुर जिले में नैरो गेज रेल परिवहन का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान के धौलपुर जिले में। तो राजस्थान के धौलपुर जिले में रेल परिवहन का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। हमने धौलपुर सड़क परिवहन में भी पढ़ा था, और सड़क परिवहन में हमने धौलपुर के बारे में क्या पढ़ा था? राजस्थान में सड़कों की जो न्यूनतम लंबाई है तो वो कहाँ पर है? धौलपुर में। और सड़कों की अधिकतम लंबाई की बात करें तो बाड़मेर में, और राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम लंबाई की हम बात करें तो उदयपुर में। और ऐसे राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो वो झुंझुनू में आ जाता है। और राजस्थान में सड़कों से सर्वाधिक गांव कौन से जिले से जुड़े हुए हैं? गंगानगर। जबकि सड़कों से न्यूनतम जो गांव जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सिरोही से। एक उत्तर की बात कर रहा है, एक दक्षिण की बात कर रहा है। सेम उसी प्रकार यदि हम धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में देखिए सड़कों की लंबाई न्यूनतम होने के साथ साथ धौलपुर में क्या किया जा रहा है? धौलपुर में नैरो गेज रेल परिवहन का संचालन भी किया जा रहा है। किसका संचालन किया जा रहा है? नैरो गेज रेल परिवहन का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए यदि हम प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में रेलवे को एक रेलवे जोन तथा 5 रेलवे मंडल में विभाजित किया गया है। अब देखिए हम किसकी बात करें? रेलवे जोन की। रेल परिवहन कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और नैरो गेज रेल परिवहन का संचालन कहाँ किया जा रहा है? धौलपुर में किया जा रहा है।
विभाजित किया गया है, एक रेलवे जोन और पांच रेलवे मंडल में विभाजित किया गया है। यदि हम रेलवे जोन की बात करें तो रेलवे जोन कौन सा है राजस्थान का? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। जबकि हम पांच मंडल की बात करें तो देखिए कौन कौन से मंडल हैं, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल, जयपुर मंडल, अजमेर, जोधपुर, कोटा, लास्ट में कोटा मंडल। यानी राजस्थान में रेलवे परिवहन को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? राजस्थान में रेलवे परिवहन को पांच मंडल में विभाजित किया गया है। वो पांच मंडल कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। और एक रेलवे जोन बनाया गया है और वो रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, एक क्या बनाया गया है? रेलवे जोन बनाया गया है और वो रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, और मंडल कितने हैं? पांच, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। यदि हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर मंडल की बात करें तो ये कौन से जोन में आते हैं? ये उत्तर पश्चिम जोन में आते हैं, उत्तर पश्चिम जोन। ठीक है, किसमें आते हैं? उत्तर पश्चिम जोन में आते हैं। जबकि हम कोटा मंडल की बात करें तो ये पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। ठीक है, कोटा मंडल जो है इसमें आता है पश्चिम रेलवे मंडल और पश्चिम रेलवे मंडल जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, जबलपुर ये हमारा राजस्थान है। पतन का कार्य जो आकृति है तो कोटा इधर पड़ता है हमारे राजस्थान में, तो कोटा से सीमा लगती है किसकी? मध्य प्रदेश की। इस वजह से कोटा का जो रेलवे मंडल है वो कौन से जोन में है? पश्चिम रेलवे जोन में। ठीक है, कौन से में है? पश्चिम रेलवे जोन। और पश्चिम रेलवे जोन कहाँ का है? जबलपुर का है। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये तो हमारा रेल परिवहन बहुत ही छोटा है। हमारा रेल परिवहन क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 5,929 किलोमीटर। और भारत की कुल रेल मार्ग की कितनी परसेंट लंबाई या कितना परसेंट रेल मार्ग राजस्थान में है, तो 8.66%। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि राजस्थान में रेल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान में रेल परिवहन को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। और यदि हम नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज रेल परिवहन का जो संचालन है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में किया जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मीटर गेज है या बात करें ब्रॉड गेज की, तो ब्रॉड गेज का जो परसेंट है वो कितना है? 82.92%। मीटर गेज
राजस्थान का जो रेल परिवहन है उसको 500 मंडल में विभाजित किया गया है और एक रेलवे जोन बनाया गया है। तो राजस्थान का जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। और राजस्थान के रेल परिवहन को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 5 मंडल में। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर। ठीक है, पहले हम मैप वाइज बात करते हैं। पहले जयपुर आता है, फिर अजमेर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर बीकानेर आता है और फिर कोटा आ जाता है। ठीक है, तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आएंगे, जबकि जो कोटा है वो पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। कोटा पश्चिम मध्य रेलवे जोन में क्यों आता है? क्योंकि कोटा की जो सीमा है वो किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? कोटा से लगती है, इसलिए कोटा जो है वो पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुर रेलवे मंडल किस जोन का है? तो उत्तर पश्चिम। जयपुर रेलवे मंडल किस जोन का है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का है। तो ये हमारे यहाँ पे रेल परिवहन की कहानी खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं वायु परिवहन। ठीक है, जिसमें कहाँ से शुरुआत कहाँ से की गई? जयपुर से, दिल्ली व अहमदाबाद के मध्य। ठीक है, और सेकेंड जोधपुर से दिल्ली तथा कराची के लिए। जोधपुर से दिल्ली व कराची के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है, कैपिटल है हमारे भारत की,
जयपुर से दिल्ली व दिल्ली से अहमदाबाद के मध्य वायु परिवहन की शुरुआत की गई। कहाँ से? जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद के मध्य, क्योंकि राजस्थान के नजदीक जो राज्य है वो गुजरात पड़ता है, इसलिए जयपुर से गुजरात यानी अहमदाबाद के मध्य भी की गई। और दूसरा जो है जोधपुर से दिल्ली व कराची के मध्य, क्योंकि जोधपुर से पाकिस्तान पास पड़ता है, तो जोधपुर से दिल्ली और कराची के मध्य वायु परिवहन की शुरुआत जो है वो हमारे राजस्थान में की गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं। तो देखिए, वर्तमान की यदि हम बात करें, वर्तमान में राजस्थान में पांच नागरिक हवाई अड्डे बनाए गए हैं, चार हवाई अड्डे बनाए गए हैं और 20 हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। राजस्थान के जिले में अलग अलग जगह पर क्या बनाई गई है? हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। तो मोस्ट जो यहाँ से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है हवाई अड्डों का, कि राजस्थान में वर्तमान में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं? 20, सैन्य हवाई अड्डे 4 और हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 20। ठीक है, नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? 5। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से नागरिक हवाई अड्डे हैं और कौन कौन से जिलों में। ठीक है, चूंकि शुरुआत जो है वो जयपुर और जोधपुर से हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जयपुर और जोधपुर में तो नागरिक हवाई अड्डे होंगे ही। देखिए, राजस्थान में हवाई अड्डे तो पहला तो आ जाएगा सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा ये कहाँ है? जयपुर। ठीक है, उसके बाद देखिए महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिक्किम है, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय रातानाड़ा हवाई अड्डा
कहाँ है? जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर से हमारे राजस्थान में हवाई अड्डे की क्या हुई थी, शिवाजी परिवहन की क्या हुई थी शुरुआत? तो राता नाड़ा था जोधपुर में। कोटा हवाई अड्डा, जाहिर सी बात है कोटा में ही होगा। और रेल परिवहन कौन से जोन में आता है कोटा का? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कोटा हवाई अड्डा ये कहाँ आ जाएगा? कोटा में, ठीक है। उसके बाद आता है किशनगढ़ हवाई अड्डा, ये हमारा अजमेर में आ जाएगा, क्योंकि अजमेर में क्या है? किशनगढ़। किशनगढ़ पढ़ना है हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं? राजस्थान में 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? महाराणा सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। और इस सांगानेर हवाई अड्डे की विशेषता है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा क्या है? यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा है। और दूसरा तो हमें नहीं पता, लेकिन दूसरा कौन सा है? महाराणा प्रताप, ठीक है, जहां से 2004 में दुबई के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। तो सांगानेर हवाई अड्डे से पहली अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारंभ की गई 2004 में, कहाँ के लिए? दुबई के लिए। तो सांगानेर जो हवाई अड्डा है यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तीसरा हवाई अड्डा है राता नाड़ा हवाई अड्डा, जो कि जोधपुर में है, ठीक है। उसके बाद कोटा हवाई अड्डा जो है ये कोटा में है। और किशनगढ़ हवाई अड्डा ये अजमेर में है। तो देखिए, राजस्थान का कांच से निर्मित एकमात्र हवाई अड्डा है। तो जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है एकमात्र कांच से निर्मित हवाई अड्डा कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र कांच से निर्मित जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? किशनगढ़ हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। तो देखिए, किशनगढ़ हवाई अड्डे से अहमदाबाद, दिल्ली व हैदराबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई। अहमदाबाद दिल्ली लास्ट टॉपिक है हमारा, और चैप्टर भी हमारा लास्ट।
तो ये चार क्या है, चार सैन्य हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? नाल हवाई अड्डा, नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में। जैसलमेर हवाई अड्डा, ये कहाँ है? जैसलमेर में। सूरतगढ़ हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गंगानगर में। उत्तरलाई हवाई अड्डा, ये कहाँ है? बाड़मेर में। तो देखिए, जो नाल हवाई अड्डा है जो कि बीकानेर में है, यह एशिया का पहला तथा सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा। तो सबसे पहले नाल हवाई अड्डा है, ये क्या है? भूमिगत हवाई अड्डा है, जमीन के नीचे बना हुआ है भूमिगत हवाई अड्डा। और ये एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पहले, ठीक है, एशिया में सबसे पहले भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो एशिया में सबसे पहले भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? हमारे भारत के राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर नामक स्थान पर क्या बनाया गया? एशिया का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अड्डा है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या है? नाल हवाई अड्डा। जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, उत्तरलाई। देखिए, हमने वायु परिवहन पढ़ा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई इलाहाबाद से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा द्वारा। यदि हम राजस्थान की बात करें तो 1950 में हुई जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद। दूसरी यदि हम बात करें तो जोधपुर से दिल्ली और फिर वहाँ से कराची। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान में 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं, 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं, 20 हवाई पेटियाँ हैं, पट्टियाँ हैं। तो 5 जो नागरिक हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं? सांगानेर हवाई अड्डा, जहाँ जो पहला राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और 2004 से दुबई के लिए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। तीसरा नागरिक हवाई अड्डा राटानाड़ा जोधपुर में है, ठीक है। चौथा कोटा हवाई अड्डा, और पांचवा कौन सा है? किशनगढ़ हवाई अड्डा, जो कि अजमेर में है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो कि किससे निर्मित है? कांच से निर्मित है। यदि हम बात करें सैन्य हवाई अड्डे की, तो सैन्य हवाई अड्डे कितने हैं? 4 है। पहला है नाल सैन्य हवाई अड्डा, जो कि बीकानेर में है, ठीक है, और एशिया का सबसे पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो कौन सा है? नाल हवाई अड्डा। उसके बाद जैसलमेर हवाई अड्डा, जो कि एक सैन्य हवाई अड्डा है। उत्तरलाई, जो कि बाड़मेर में है, ये भी सैन्य हवाई अड्डा है। और सूरतगढ़ हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? गंगानगर में है। तो इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। सबसे पहले हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा? वायु परिवहन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।